अपने ऑफिस सामने आपकी बात करती जिला हमीरपुर के प्रधान श्री विकेश कौशल जी इस मंच पर इस मेले में हार्दिक अभिनंदन को धन्यवाद करता हूँ। आज आपको यहाँ पर हुई है उसके लिए मैं इनसे माफी चाहता हूँ। कारण भी इसका है, कारण के साथ ही आपसे माफी मांगूंगा। कारण यह है कि यह मैंने जो डिसाइड हुआ था उस समय हमें इस चीज का पता नहीं था कि आज के दिन कोई एग्जाम होने वाला है। बीरपुर के इस बार विद्यालय में कोई एग्जाम होने वाला है। आज एक एंट्रेंस एग्जाम था 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। जहाँ हमने वेन्यू रखा था वो वेन्यू, उस वेन्यू में वो एग्जाम कंडक्ट किया गया है, इसलिए हमें वो हॉल नहीं मिल पाया। इस हॉल में हम ये सब चीजें करना चाहते थे, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। कारपेंटरी का काम चल रहा था, कल हम 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इसका सारा सफाई वगैरह कराकर ये व्यवस्था की है, लेकिन मैं जानता हूँ ये व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। आपको गर्मी लग रही है, बाकी सारी चीजें हमने करने की कोशिश की है, मेंटेन करने की कोशिश की है। मैं तो ये चाहता था कि एसी वाले किसी हॉल में काम आपकी ये मीटिंग करवाई जाए, ये लेक्चर करवाया जाए, लेकिन ये सोचा हमें यहाँ नहीं मिल पा रही थी क्योंकि गर्मी थी। यदि पूरा दिन लाइट कट हो तो भी हम रहते हैं घर में, तो ये है मुझे उनको कार्य करने हैं, वो कार्य कर जाते हैं, जिनको नहीं करने हैं नहीं कर पाते हैं। बात पीछे की छोड़ पर हमें आगे की देखनी है। जिन बंधुओं को ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, आज मंच खुला है, सामने आ सकते हैं, उन्हें फिर से सामने आइए। HPSM में वो साथ लेकर आगे बढ़िए, हम उनके साथ हैं। 12 जिलों के अध्यक्ष यहाँ आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी आए हैं और विज्ञान अध्यापक संघ के अध्यापक आए हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये मंच खुला है, यदि आप में पोटेंशियल है, लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप आ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि इलेक्शन के लिए आए हैं हम, सब सम्मति से चाहेंगे कि कोई एक हमारा प्रधान हो, एक हमारा प्रधान हो। लेकिन यदि ये सिस्टम नहीं बन पाता है तो जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे, मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि हार जीत एक सिटी के दो पहलू है। यदि कोई जीत जाता है तो हारने वाला निराश ना हो, साथ में चले, क्योंकि हमें संगठन चलाना है, हमें संगठन चलाना है, हमें किसी को हराना या जिताना नहीं है, साथ में चलना है। इन्होंने 10 साल की जो बात कही है मैं उसे बिल्कुल समर्थन देता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसे समर्थन दें, इसे पूर्ण रूप से आगे उठाया जाए। जो मुख्यमंत्री मेरा विधायक है और हम सबका मुख्यमंत्री है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस ओपीएस को देने के लिए। उन्होंने शेर की तरह एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसे लेने के लिए जो पिछले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी चाहते थे कि मैं दूं, लेकिन उन्हें किसी की परमिशन लेनी पड़ी थी, तब देना है, लेकिन उन्होंने अपने आप अपनी परमिशन से अपने आप बाकी जो भी उन्होंने सोचा है उसके तहत उनके लिए। अब मैं इस मंच से अपने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखबीर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें ओपीएस दी है। हमारा मुनाफा बिल्कुल उन्होंने संवाद दिया है, हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम उस चीज को ले सकें। अदरवाइज हमें उसी से गुजारा करना पड़ेगा, उसी से खुश रहना पड़ेगा जो हमें मिलेगी।